हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हिस्ट्री को पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हिस्ट्री का नाम आते ही बच्चे बहुत बोर होने लग जाते हैं, अब कैसे पढ़ेंगे, ये तो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। बट जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। सो जैसे कि अब सभी नाइन्थ में आ चुके हैं, तो नाइन्थ की एनसीईआरटी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ओके, एक लास्ट वीडियो मैंने कल भी आपको अपलोड किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। बट उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम का प्रॉब्लम था, वॉल्यूम काफ़ी डाउन था, स्टूडेंट्स ने बताया। तो इसलिए ये इसको मैं एक बार तरह से आपका रिविज़न हो जाएगा, और ये पेज जो है इसकी फिर से हम रीडिंग करेंगे, जिससे कि आपका रिविज़न भी हो जाए और आपको मज़ा आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये क्या है? फ्रांस में हुई क्रांति, जो फ्रांसीसी क्रांति के नाम से हम जिसे जानते हैं वो है। तो ये अभी आप जो हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, इससे पहले एट स्टैंडर्ड तक आपने जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी, यानी कि अपनी ही कंट्री के बारे में पढ़ा था। बट अभी आप वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स आउट ऑफ द इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए एनसीईआरटी में, वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, जब किसी चीज के लिए एकदम से कोई क्रांति आती है, ठीक है, तो पढ़ना शुरू करेंगे। ये आपका ट्रेलर है, जस्ट लाइक द मूवीज ट्रेलर। आगे अभी आप जब इसको पढ़ेंगे इस पेज को, उसके बाद चैप्टर में आपको ब्रीफ है, बाद में चीजें एक्सप्लेन करके दी हुई हैं। तो चलिए ब्रीफिंग स्टार्ट करते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, यानी कि कब की बात है ये? 14 जुलाई 1789 की बात है। द सिटी ऑफ पेरिस, यानी कि फ्रांस की जो सिटी है पेरिस, वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। ये क्या थी? अलार्म की स्थिति में थी पेरिस सिटी, यानी कि अलर्ट थी। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इन टू द सिटी। जो किंग था ना, उसने अपने ट्रूप्स को कमांड दी थी कि पूरी सिटी में वो चप्पे चप्पे पर निगरानी रखें। र्यूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। र्यूमर्स यानी कि अफवाहें कुछ ऐसी थी कि वो बहुत जल्दी ही अपनी जो आर्मी है उसको क्या करने वाला है, ऑर्डर देने वाला है सिटीजन्स के ऊपर ओपन फायर करने के लिए। सम 7000 मैन एंड वीमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। 7000 लोग थे, जिनमें कुछ मैन थे और कुछ वीमेन थी। तो वो सभी इकट्ठे हुए टाउन हॉल के सामने एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया, और उन्होंने मिलिशिया बनाने का निर्णय लिया। मिलिशिया क्या है? मिलिशिया अ ग्रुप ऑफ पीपल जो अनट्रेन्ड होते हैं। ओके, मिलिशिया इज अ ग्रुप ऑफ अनट्रेन्ड पीपल। जो आर्मी होती है उसको ट्रेनिंग दी जाती है, देन उसके बाद वो फाइट करने के लिए आती है, रेडी होती है। लेकिन जो मिलिशिया है ना, ये अनट्रेन्ड पीपल होते हैं, इनको किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली होती है, लेकिन ये फाइट करने के लिए रेडी हुए हैं। ये क्यों फाइट करने के लिए आए हैं, इसके बारे में हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। दे ब्रोक इन टू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। उन्होंने क्या किया? बहुत सारी, यानी कि हथियार, अब वो अनट्रेन थे, उनके पास हथियार तो थे नहीं लड़ने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, हथियारों की खोज में बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ दिया। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टूवर्ड्स द, अब लास्ट में क्या हुआ, कुछ 100 लोगों का जो ग्रुप था वो मार्च करता हुआ कहाँ पहुँचा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, सिटी के ईस्टर्न पार्ट में, एंड स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन। और जो फोर्ट्रेस प्रिजन, यानी कि जो बास्टील थी, जो जगह थी, उसको उन्होंने वहाँ पे तोड़फोड़ मचा दी वहां पर। वेयर दे होप्ड, जहां पे वो तोड़फोड़ क्यों कर रहे थे, उनको एक होप थी कि यहां पे हमें शायद क्या मिलेंगे, हथियार मिलेंगे। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बास्टील वॉज किल्ड। अब जब वो वहां पर पहुंचे, बास्टील में पहुंचे, तो वहां पे जो कमांडर था, जो राजा के द्वारा वहां रखा गया था, उस कमांडर से फाइट करते टाइम वो कमांडर मारा गया। एंड प्रिजनर्स रिलीज दो देवर ओनली 7 ऑफ देम। और वहाँ पे जो प्रिजनर्स थे ना, जो बास्टील जेल थी उसमें जो प्रिजनर थे, उन सभी को उन लोगों ने वहाँ से रिलीज कर दिया, छोड़ा दिया। हालांकि वो केवल 7 ही थे उस टाइम जेल में, यट द बास्टील वॉज हेटेड बाय ऑल। लेकिन फिर भी जो बास्टील जगह थी ना, ये सभी लोगों के द्वारा नफरत थी, सब लोगों को उसे हेट करते थे इस जगह से। क्यों हेट करते थे? बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। क्यों? क्योंकि ये जो बास्टील जेल थी ना, ये राजा की डेस्पोटिक पावर को शो करती थी, यानी कि राजा की जो निरंकुशता थी ना, जो वो क्रूर तरीके से लोगों को क्या करता था, उसके हिसाब से, राजा के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो उसको उठा के उस बास्टील जेल में बंद करवा दिया जाता था। तो इसलिए लोगों को बास्टील जो जेल थी उससे नफरत थी।
द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन. अब क्या हुआ, जब वहाँ पे उन्होंने तोड़फोड़ कर दी बास्ती जेल में, तो उसके बाद उस जेल में जो स्टोन्स थे और जो सलाखें टाइप थी वो सभी क्या हुआ, उसको मार्केट में बेच दिया गया और उसको खरीदा उन लोगों ने जो उसे एक यादगार की तरह रखना चाहते थे कि हाँ कभी बास्तील जेल हुआ करती थी. और ये क्या हुआ, ये लोगों ने अपनी फ्रीडम के जब फाइट हुई तो इसको तोड़फोड़ दिया गया था, तो उस तरीके से लोगों ने उसको परचेज भी कर लिया. ओके, द डेज दैट फॉलोड सो मोर राइटिंग बोथ इन पैरिस एंड द कंट्री साइड. जैसे दिन निकलते जा रहे थे, लोगों ने देखा कि अब पेरिस में और मतलब जो सिटी थी पेरिस और उसकी दूसरी साइड में भी जो राइटिंग यानी कि जो दंगे हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे. राइटिंग मीन्स दंगे. मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. ज़्यादातर लोग जो थे ना वो ब्रेड के हाई प्राइस के लिए क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, यानी कि वो वहाँ पे हड़ताल कर रहे थे. क्यों? क्योंकि जो ब्रेड था ना उसके प्राइस जो थे वो बढ़ते जा रहे थे. मच लेटर When historians looked back upon this time, जब historians ने इस समय की तरफ देखा बाद में कि आखिर ये किस तरीके से हुआ revolution, they saw it as the beginning of a chain of events. तो उन्होंने जाना कि ये जब जब मतलब थोड़ा थोड़ा करके कभी protest हो रहा है, फिर लोग चुप हो गए, फिर again protest करने लगे, तो ये जो events हुए ना ये क्या था, अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस. दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम. लोगों ने यही अनुमान लगाया कि मतलब लोग भड़के हुए बैठे हुए थे, तो जो वहाँ पे हिस्टोरियंस थे उन्होंने यही अनुमान लगाया कि फ्रांस में जो राजा था उसकी निरंकुशता इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि वो लोगों को परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और ब्रेड के जो प्राइस थे वो बढ़ रहे थे. मतलब लोगों को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने रिवॉल्यूशन आ गया फ्रांस में, इस चीज़ को उन्होंने देखा. हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ, जो ब्रेड था उसके प्राइस क्यों बढ़े, फिर लोगों ने क्यों उसके खिलाफ आंदोलन किया. अब इन सारी चीज़ों के बारे में हम चैप्टर में एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. ये पिक्चर है जो कि एक पेंटर ने बनाई है, जिसने मतलब एक इमेजिन किया कि इस तरीके से बास्तील जेल रही होगी और यहाँ पे लोग थे जिन्होंने अपनी मतलब खुद को उससे परेशान हो गए थे जब राजा से बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन कर दिया था, उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए थे, तो कुछ इस तरीके से वो किला रहा होगा, वो जेल हो गए, तो उसने एक इमेजिन करके पेंटर ने इस पेंटिंग को बनाया. अब यहाँ से स्टार्ट होता है एक्सप्लेनेशन. ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि जब ये रिवॉल्यूशन हुआ तो उस समय फ्रांस का कौन किंग था, क्या किया उसने, कितने इयर्स का था, वो किस फैमिली से बिलोंग करता था, आखिर ऐसे कौन कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन हुआ और जो आम जनता थी वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. यानी कि 1774 में Louis XVI क्या था, वो राजा बना जो किस फैमिली से बिलोंग करता था, वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, जो फ्रांस का राजा बना. ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड. वो कितने ईयर्स का था, वो 20 ईयर्स का था जिस समय वो राजा बना. वो मैरिड 20 साल की उम्र में ही उसकी शादी हुई. किससे शादी हुई, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, जो ऑस्ट्रियन राजकुमारी थी मैरी एंटोनी, इनसे शादी हुई लुईस 16 की. अपॉन हिज असेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी. जब वो बैठा सिंहासन पे तो उसने पाया कि जो राजा की जो राजा का जो खजाना है ना, उसकी जो ट्रेजरी है वो तो बिल्कुल खाली है. लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द. अब ज़्यादातर क्या था, जब वॉर चल रहा था, जब वॉर चलते थे तो क्या होता था, उसमें बहुत खर्चे हुआ करते थे. जब लड़ाइयाँ होती थी तो उसमें वो काफ़ी खर्चा आता था, चीज़ों के खरीदने के लिए, लड़ाई के लिए, और जो हथियार यूज़ करते थे उनके लिए, तो खर्चा होता था गवर्नमेंट का.
तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, तो उस वॉर की वजह से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थी वो डाउन चल रही थी. एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट. उसके अलावा क्या हुआ था, एक पैलेस था जो वर्साइल जिसे बोलते हैं, वर्साइल नाम है उसका, वो उसको जब मेंटेन किया गया उसको बनने में इतनी ज़्यादा फिजूल खर्ची हुई थी कि उसी का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हुआ था गवर्नमेंट का. अब क्योंकि वो क्या था, एक महल था तो उसमें खर्चा किया गया, खर्चा होना ठीक है लेकिन फिजूल खर्ची होना गलत है. तो एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है खर्चा हुआ. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy, Britain. अब क्या हुआ, फ्रांस ने हेल्प की किसकी, 13 अमेरिकन कॉलोनीज की, जिसके ऊपर किसका रूल था, ब्रिटेन का रूल था. अब ब्रिटेन क्या था, ब्रिटेन उस टाइम पे कॉमन एनिमी था. फ्रांस भी बहुत चिढ़ता था ब्रिटेन से क्योंकि फ्रांस में भी उसका रूल रहा था, हमारे इंडिया में भी ब्रिटेन का रूल रहा था. तो उस टाइम पे अमेरिकन कॉलोनीज, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को उसने हेल्प की उसने फ्रांस ने कि हम तुम्हें इससे फ्रीडम दिलाएंगे. The war added more than a billion libre to a debt that had already risen to more than 2 billion libres. अब क्या था, जब उसने अमेरिका की हेल्प की फ्रांस ने ब्रिटेन से फ्रीडम पाने के लिए, तो उस वॉर में जब उसने मदद की, उस वॉर में जो खर्चा आया फ्रांस का वो 1 billion लिब्रे आया था. लिब्रे क्या है, लिब्रे फ्रांस की करेंसी थी उस समय में, जैसे इंडियन करेंसी रुपी होती है वैसे ही उस समय में लिब्रे फ्रांस की करेंसी थी. टू अ डेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन, यानी कि अब ये एक और क्या था, कर्जा हो गया उनके ऊपर, जबकि पहले से उसके ऊपर कितना लोन था, 2 billion लिब्रे का ऑलरेडी लोन था, अब 1 billion लिब्रे ये भी हो गया, तो उसके ऊपर टोटल अब 3 billion लिब्रे का डेट हो चुका था. लीडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू, अब जो लेंडर्स थे, जो लेंडर उसको लोन देते थे, उन्होंने क्या किया, उनको ये लगा कि इसके ऊपर तो कर्जा बढ़ता जा रहा है, अब पैसा इसके पास है नहीं और खर्चे इसके बहुत हो गए, अब हो सकता है कहीं ये मुकर ना जाए कि हम जाओ हम नहीं देते तुम्हारे कर्जे को, हम नहीं दे रहे हैं, अब हमारे ऊपर जो कर्जा हुआ हम उसे नहीं भर रहे. तो फिर क्या हुआ, लैंडर्स ने जो उसको लोन देते थे, नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, उन्होंने क्या किया, अब लोन देने पर 10% का इंटरेस्ट लगा दिया, 10% की ब्याज पे अब उन्होंने लोन देना स्टार्ट कर दिया. सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लिज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट इन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन. अब क्या था, उसको जो सारे बजट मेंटेन करने होते थे गवर्नमेंट को, उनके साथ में अब अलग से इसको जिस पे लोन पे उसको 10% का इंटरेस्ट भी देना था, अब भाई इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया. टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, अब जो रेगुलर के एक्सपेंसेस थे, यानी कि जो डेली खर्चे थे फ्रांस में गवर्नमेंट के पास में, सच एज द कॉस्ट ऑफ, जैसे कि क्या क्या होते हैं सरकार के खर्चे, मेंटेनिंग एंड आर्मी, उसे आर्मी को मेंटेन करना होता है, कोर्ट को मेंटेन करना होता है, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं उनको, यूनिवर्सिटीज को, स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस, इन सबको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो गया था. और उसके पास अब इतना इन सारे खर्चों को चलाने के लिए मनी भी नहीं थी, तो उसको क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब वो क्या करेगा, टैक्स जो लगते हैं उनको वो इंक्रीज कर देगा. येट इवन दिस मेजर would not have sufficed. French society in the 13th century was divided into 3 states and only member of the third state paid taxes. अब क्या था, जो French society थी ना 18th century में, क्या था French society 3 categories में थी, यानी कि 3 states में ये divided थी. First state जो था उसमें से फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ये जो 3 स्टेट थे इनमें से जो फर्स्ट स्टेट था और सेकंड स्टेट था, इन दोनों को क्या था, टैक्स पे नहीं करना पड़ता था. ओनली जो थर्ड स्टेट था, केवल इस थर्ड स्टेट को ही टैक्स पे करना पड़ता था. अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो स्टेट्स थे ये किस तरीके से थे, ठीक है. तो हमने पढ़ा कि जो थर्ड स्टेट था केवल उसी को टैक्स पे करना पड़ता था. ऑलराइट, द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस. ये जो सोसाइटी थी ना,
स्टेट्स जो थे इसमें जो सोसाइटी थी ये फ्यूडल सिस्टम पे वर्क करती थी, फ्यूडल सिस्टम जो पहले से ही मिडिल एज यानी कि पहले से ही वो बना हुआ था। इसमें क्या था, फ्यूडल सिस्टम में सामंती चलती थी, जिस तरीके से बोलते हैं ना कि जागीरदार होते हैं जमींदार, जागीरदार होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास कुछ लैंड होता है उसको किस पे देते हैं, रेंट पे देते हैं, लोगों को रेंट पे दे के उनसे उस पे काम करवाते हैं, फिर उनकी जो फसल आती है उसमें से भी कुछ रखते हैं और उस रेंट को भी लेते हैं। तो एक तरीके से द टर्म ओल्ड रेजिमी इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। यानी कि अब जब भी आप ओल्ड रेजिमी पढ़ोगे, ओल्ड रेजिमी जो है ये डिस्क्राइब करेगा किस चीज को, सोसाइटी जो पहले से जो सोसाइटी के द्वारा बनाया गया जो सिस्टम था उसको शो करेगा, कब का, बिफोर 1789, यानी कि 1789 से पहले का जो सिस्टम बनाया गया था ओल्ड रेजिमी उसके बारे में अब आपसे बात करेगा। फिगर टू शोज हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड। ये जो फिगर टू है ना ये शो करता है कि सोसाइटी में उस समय पे जो स्टेट्स बने हुए थे वो किस तरीके से बने हुए थे, ठीक है। तो चलिए पहले इस फिगर को ही देख लेते हैं। ये है फिगर आपके पास, इसमें आपके फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, ओके ये फिगर है। जो फर्स्ट स्टेट है ना आपका, इसमें क्लर्जी थे, इट्स नॉट क्लर्गी इट्स क्लर्जी। क्लर्जी क्या होते हैं, जो चर्च में पादरी होते हैं ना, जो चर्च में काम करने वाले लोग होते हैं जिन्हें पादरी बोलते हैं वो काम करते थे, तो इनको क्या था, इनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी, नोबिलिटी में वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी मतलब आप बोल सकते हैं कि विधायक टाइप, नेता टाइप जो लोग होते थे ये सब नोबिलिटी में आते थे, जमींदार, मुखिया, विधायक, इस टाइप के लोग जिनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, उल्टा ये टैक्स लेते थे, ओके लोअर क्लास से ही उल्टा टैक्स लेते भी थे, इसके बारे में अभी हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। और थर्ड स्टेट जो है ना इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, यानी कि जो दूसरे जो अदर जो रिचर मैन थे सिटी के वो सभी थर्ड स्टेट में आते थे। रिचर मैन के साथ ही साथ इसमें पीजेंट्स भी आते थे, यानी कि किसान भी आते थे, छोटे किसान भी आते थे, मर्चेंट्स भी आते थे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे वो सब भी आते थे, लॉयर्स भी आते थे, तो ये सभी लोग थर्ड स्टेट के अंडर आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया, स्टेट आपकी समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे कि आखिर ये स्टेट का सब क्या काम था। फिगर टू शोज हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज, ठीक है। आपको हमने ये बता दिया कि किस तरीके से वो फिगर में स्टेट्स को डिवाइड किया गया है। नाउ पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। जो पीजेंट्स थे ना यानी कि जो किसान थे वो पॉपुलेशन के 90% थे। हाउ एवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम, उनमें से केवल कुछ ही लोग थे जो अपनी खुद के लैंड को कल्टिवेट करते थे, यानी कि कुछ ही ऐसे लोग थे जो ओनर थे जो अपनी जमीन को, जमीन पर फसल करते थे, बाकी सभी लोग क्या करते थे, उनका जो लैंड था वो रईसी लोगों पे, जागीरदारों पे वो पहले से ही था, डेप्ट में था, और वही लोग ऊपर से उनको उन्हीं के लैंड को रेंट पे देते थे, फिर उसकी जो फसल आती थी उसमें से भी कुछ हिस्सा खुद रखते थे। यानी कि ये कौन होते थे, ये नोबिलिटी वाले जो लोग हैं वो ऐसा काम करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स। अब जो 60% जो लैंड था ना वो नोबल्स ने हड़प रखा था, आप एक तरीके से ये बोल सकते हैं। द चर्च, और जो चर्च था वो लोग थे 60% में नोबल्स थे, चर्च एंड अदर रिचर मैन ऑफ द थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट के और जो रिचर मैन थे वो सब उसमें आते थे। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स, दैट इज अब जो फर्स्ट टू स्टेट के जो मेंबर्स थे जिसमें कि क्लर्जी थे एंड द नोबिलिटी इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। इनको क्या होता था, जो क्लर्जी और नोबिलिटी हैं ये बाय बर्थ ही इंजॉय करते थे प्रिविलेजेस को, यानी कि जो व्यवस्थाएं पहले से बना दी गई थी इनको बाय बर्थ ही, उन सभी को बिना कुछ किए दरे ही इनको सारी प्रॉफिट मिल जाते थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। इसमें से सबसे बड़ी बात क्या होती थी कि इनको
गवर्नमेंट को टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता था. द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, और ये जो नोबल्स होते थे इनको फ्यूडल प्रिविलेजेस, ये अपना पूरा एंजॉय करते थे जागीरदारी बने को. दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स. ऊपर से ये उल्टा ड्यूज लेते थे, फ्यूडल ड्यूज होते थे इनके, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो पीजेंट्स थे उन पे ये काम करवाते थे उसमें, और उनसे भी उल्टा ये टैक्स लिया करते थे वहां पे काम करने का. पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड. अब जो पीजेंट्स थे उनको सर्विस देनी पड़ती थी किस पे, क्योंकि वो भाई उनके अपने पास तो कुछ था नहीं करने के लिए, पढ़े लिखे वो थे नहीं तो जॉब करते, तो उनको क्या करना पड़ता था, फिर उनकी जमीन को लॉर्ड वाले मतलब ये जो मालिक लोग थे इनसे वो जमीन लिया करते थे, उस पर खेती करते थे और फिर उस खेती में ये काम करते थे. टू वर्क हिज हाउस, उनके घरों में काम करते थे, उनके फील्ड्स में काम करते थे. टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स पे काम करते थे, या फिर कुछ लोग थे ऐसे जो कि आर्मी में काम करते थे, ठीक है, आधे पर्सन्स बनते थे. द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथ्स. अब चर्च जो शेयर लेता था अपना, भाई चर्च भी अपना शेयर लेता था अब इन लोगों से, पीजेंट्स से. ये पीजेंट्स जो थे ना इनका बड़ा शोषण हो रहा था, मतलब इनको चर्च को भी टैक्स देना है, इनको नोबेलिटीज को भी टैक्स देना है, और इनको गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट टैक्स देना ही देना है. तो ये पीजेंट्स के द्वारा जो चर्च को टैक्स जाता था, चर्च का जो शेयर जाता था, उसे टिथ बोलते थे. क्या बोलते थे उसको? टिथ्स जाते थे उनके. एंड फाइनली द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट. और थर्ड स्टेट को डायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता था गवर्नमेंट को. दिस इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स, इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जिसे टेल बोला जाता था. चर्च को जो टैक्स जाता था उसको टिथ्स बोलते हैं, एंड जो टैक्स गवर्नमेंट को जाता है डायरेक्ट उसे टेल बोलते हैं. एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो जाते ही जाते थे, विच वर लिवाइज ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट एंड टोबैको, जैसे कि डेली यूज के जो कंजप्शन की चीज़ें होती हैं हमारी, जिनको हम अपने यूज में लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें, उनके भी टैक्स इनडायरेक्टली जाते ही थे. द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अब क्या था, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो आर्थिक जो क्रियाएं थी उन पे क्या था, बर्डन आने लगा. किस चीज का? स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज बॉर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन. क्यों? क्योंकि जो वो टैक्स था वो किसके द्वारा दिया जाता था? केवल थर्ड स्टेट के द्वारा ही दिया जाता था. तो क्या होने लगा इन चीजों का, थर्ड स्टेट पे सारा बर्डन आया. यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है कि ये जो स्पाइडर है ना, इसको इस राजा को दिखा रहे हैं, ये इसको शो कर रहा है, नोबिलिटी को शो कर रहा है, और ये जो बेचारी फ्लाई है, हाउस फ्लाई है, किसको शो कर रही है, पीजेंट्स को शो कर रही है कि ये मकड़ी है, मकड़ी जाला बुन रही है और ये बेचारी मक्खी उसमें आके फंस जाती है. ठीक है, अब इसे आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. मोर द डेविल हैज, यानी कि डेविल के पास इतना ज्यादा है, द मोर ही वॉन्ट्स, उसे उतना ही ज्यादा और चाहिए. यानी कि कहते हैं ना कि जो भूखा होता है ना उसकी भूख तो कभी मिटती ही नहीं है, जिसके पास जितना ज्यादा है उसको और उतने ज्यादा की ही भूख लगी रहती है. तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं. जब टैक्स बढ़ गया तो अब ये लोग क्या करेंगे जानते हैं, द स्ट्रगल टू सर्वाइव. अब क्या था, अब ये लोग किस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, अब जो स्ट्रगल हो रहा था वो किस लिए हो रहा था, उनके जीविकोपार्जन के लिए हो रहा था. यानी कि अब जो स्ट्रगल है वो उनकी डेली दिनचर्या के जीने खाने की चीजों के लिए उनको अब लड़ाई करनी है. अब वो स्ट्रगल किस तरीके से है वो हम एक्सप्लेन में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे. The population of France rose from about 23 million in 1715. यानी कि 1715 में जो population था ना फ्रांस का वो 23 million था. अब वही population 28 million हो गया कब, 1789 में. यानी कि revolution का जो time था उस समय ये जो population था फ्रांस का ये 28 million हो चुका था. ठीक है, जो पहले 23 मिलियन था 1715 में. दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स. अब जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नॉर्मल सी बात है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इंसान को क्या है, जिंदा रहने के लिए उसे खाने की जरूरत तो पड़ेगी. तो
खाना भी तो खाने भी डिमांड भी बढ़ेगी, तो खाना भी तो उस हिसाब से होना चाहिए ना मार्केट में, कि जितने ज़्यादा लोग हैं उनके हिसाब से खाना होना चाहिए, तभी तो लोग भूखे नहीं मरेंगे, वरना भूखमरी से मरने लगेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। लोगों की पॉपुलेशन तो बढ़ गई बहुत ज़्यादा, लेकिन जो प्रोडक्शन था ग्रेन्स का, अनाज का जो प्रोडक्शन था, वो उस गति से नहीं बढ़ा। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड वॉज विच वॉज द स्टेट डाइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो स्टेट की जो डाइट थी ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। डाइट तो बहुत तेजी से बढ़ी क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा था, लेकिन जब ग्रेन नहीं था लोगों के पास में तो क्या होता है, जब मान लीजिए कि आपका राजा है, ठीक है, देश का राजा है, उसने चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, यानी कि डेली के आपके अनाज का और सब्जियों का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है। अब लोग ज़्यादा हैं और चीज़ें खाने की हैं कम, कंजप्शन की चीज़ें हैं कम, तो क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करती है, चीज़ों के दाम बढ़ा देती है, यानी कि उनके प्राइस हाई कर देती है। जब प्राइस हाई होते हैं तो क्या होता है, जो अपर लेवल होता है वो तो कैपेबल होता है परचेज करने के लिए, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो नहीं खरीद पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, भुखमरी की कंडीशन आती है। भुखमरी होती है तो क्या होता है, बीमारी फैलती है, महामारी फैलती है, लोग आपस में लड़ाई करते हैं खाने के लिए, खाने की चीज़ के पीछे दंगे होते हैं और लोग मरते हैं और लास्टली डेथ होती है। तो इसमें क्या हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी। तो क्या हुआ, जो प्राइस थे ब्रेड के वो बढ़ गए। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स। ज्यादातर जो वर्कर्स थे ना वर्कशॉप में, जो लेबर थी जो काम करती थी, हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस, उनके ओनर ने क्या कर रखा था, उनकी जो सैलरी, वेजेस मीन्स जो सैलरी थी वो फिक्स कर रखी थी, बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइस इन प्राइसेस। अब क्या होता है, सैलरी भी बढ़ती है हमारे यहाँ, हम लोग अभी जानते हैं जो कि सैलरी बढ़ती है, जैसे महंगाई बढ़ती है तो सैलरी भी बढ़ती है। आप एक चीज़ कह सकते हो कि सैलरी बढ़ी तो महंगाई भी बढ़ गई, एक ही बात होती है, लेकिन यहाँ पर क्या था, महंगाई तो बढ़ गई लेकिन जो ओनर थे उन्होंने क्या कर दिया, वेजेस, लोगों के जो लेबर थे उनके वेजेस यानी कि उनकी सैलरी को तो फिक्स कर दिया, सैलरी को नहीं बढ़ाया, लेकिन जो प्राइस थे वो बढ़ा दिए चीज़ों के। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। तो अभी भी क्या था, जो गैप था ना एक रिच और पुअर के बीच का, वो अभी भी बना हुआ था। थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। चीज़ें और ज़्यादा भद्दी होती चली गई और ज़्यादा वर्स कंडीशन सामने आती है, जब क्या होता है, ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाता था या फिर हेल ओले पड़ जाते थे और पूरी जो हार्वेस्ट थी, जो फसल थी, वो बर्बाद हो जाती थी। दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये क्या कर हुआ, इससे सब्सिस्टेंस क्राइसिस होने लगे, समथिंग दैट अकर्स फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिमी। ओल्ड रेजिमी के अकॉर्डिंग ये चीज़ वो थी जो कि बहुत ही तेजी से वहां पर बढ़ती जा रही थी। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस को हैपन्स किस तरीके से हुए, हम इस चार्ट से इसको समझेंगे। चलिए, ये हमारे पास एक चार्ट है, आपको नीचे ना इसके ऑप्शन दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जस्ट लाइक द फिल इन द ब्लैंक्स। ये यहाँ पे फूड राइट्स, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स, राइजिंग फूड प्राइसेस, ये सब इनमें से ही आपको उस ग्राफ को कंप्लीट करना है कि किस चीज़ की वजह से क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, बैड हार्वेस्ट यानी कि जब बैड हार्वेस्ट होगी, जब फसल खराब होगी, अब हमने अभी पढ़ा था कि किसकी वजह से फसल खराब होती थी, ड्रॉट और हेल यानी कि सूखा पड़ जाता था या ओले पड़ जाते थे, उसकी वजह से क्या होता था, हार्वेस्ट खराब हो जाती थी। अब जब फसल खराब हो गई तो जो बेचारे पीजेंट्स थे उनके पास तो कुछ नहीं बचा, उनके पास पैसा भी नहीं था चीज़ों को खरीदने के लिए। अब जब बैड हार्वेस्ट है तो इसकी वजह से क्या होगा, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन यानी कि अनाज कमी आएगी, किस क्या होगा, अनाज में कमी आएगी, ठीक है। स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन होगा, ठीक है, आप इसे समझ लेने ना, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन यानी कि अनाज में कमी आ गई।
अनाज में कमी आएगी। अनाज की जब कमी होती है तो क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, प्राइस इंक्रीज होंगे, प्राइस इंक्रीज होंगे, यानी कि रेट बढ़ जाएंगे। और जब रेट बढ़ते हैं तो क्या होता है, रेट बढ़ने की वजह से लोग, जो गरीब लोग हैं, पुअरेस्ट जो लोग हैं, वो चीज़ों को खरीद नहीं पाते हैं। और जब ये पुअर पीपल जो हैं, जब ये चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, नो लॉन्गर बाय ब्रेड, जब ये रोटी नहीं खरीद पाएंगे तो रोटी ना खरीदने की वजह से क्या होगा, सबसे पहली चीज़ जो होगी वो कमज़ोर हो जाएंगे, उनकी जो बॉडी है वो वीक हो जाएगी। सेकेंड क्या होगा, फूड रायट, यानी कि दंगे होना शुरू हो जाएंगे, फूड रायट, RIOT, दंगे होंगे। जब लोग कमजोर हो जाएंगे और दंगे भी होंगे भुखमरी की वजह से, तो क्या होगा, फिर डिजीज एपिडेमिक होता है, ठीक है, डिजीज एपिडेमिक जब होगा, यानी कि बीमारी महामारी बढ़ेंगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भी यही होगा और इन दोनों की वजह से भी यही होगा, क्या होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, यानी कि डेथ केस जो हैं वो बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका चार्ट समझ आ गया होगा, इसके बाद पढ़ते हैं, चलिए। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविजेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। अब ये जो प्रिविलेज मिलता था लोगों को, इसका एंड किस तरीके से हुआ, यानी कि ये जो बैठे बिठाए बाय बर्थ इन लोगों को ये मिल जाती थी ना, सारी सुविधाएं मिल जाती थी, जो व्यवस्था बनी हुई थी, इसका दी एंड कैसे हुआ, इसके बारे में अब हम यहाँ पर जानेंगे। In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. अब पास्ट टाइम में क्या था, जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे, ये कभी कभी पार्टिसिपेट लेते थे, क्या करते थे, आंदोलन करते थे अगेंस्ट किसके, इंक्रीजिंग, जब टैक्स बढ़ता था और फूड स्कार्सिटी, यानी कि खाने की चीज़ों में जब कमी आती थी, तो ये लोग आंदोलन करते थे, ये आंदोलन जो करते थे, बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स। लेकिन ये क्या थे, ये लोग पढ़े नहीं थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि ये जो दंगे करते थे उनको जल्दी ही उन प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाता था, एक लॉन्ग लाइफ नहीं थी उनके कि वो लॉन्ग पीरियड तक चले और उनका क्या रिजल्ट सामने आ सकता है, उस वो ये नहीं कर पाते थे। वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसका कोई चेंज नहीं आता था, मतलब पहले पास्ट में जब ये लोग इस तरीके से रिवॉल्व करते थे तो उसका कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं सामने आता था। This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. ये चीज़ें किसने लिफ्ट किया इन चीज़ों को, ये उन लोगों के ऊपर गई, उस ग्रुप के ऊपर आई जो कि थर्ड स्टेट में थे। थर्ड स्टेट में वो कौन से लोग थे, जो कि पढ़े लिखे थे, अब वो एजुकेटेड थे और उनके पास न्यू आइडियाज थे। उन लोगों ने क्या किया, उनकी समझ में आई ये सारी चीज़ें, प्रिविलेज का सिस्टम वो ख़त्म करना चाहते थे, जिसके लिए इन लोगों ने क्या किया, द 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म द मिडिल क्लास हु अर्न्ड देयर wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture or goods such as woolen and silk textiles. अब क्या था, जो middle class में, जो middle class के जो लोग थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे 18th century में जो कि जिनके अंदर थोड़ा दिमाग था, उन लोगों ने क्या किया, उनके पास कुछ new ideas आए, लेकिन वो ideas कैसे थे, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है, पढ़े लिखे थे कुछ लोग इनमें से, और कुछ क्या थे, वो पैसा था उनके पास, पैसा इनके पास किस तरीके से आया था, कि ये लोग ट्रेड करते थे, ये वूलन और सिल्क के इनके टेक्सटाइल्स थे जिसको वो एक्सपोर्ट करते थे, जिससे उन वो क्या हुआ, ब्रॉट बाय द रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी, वो सोसाइटी में रिचर मेंबर्स की उसमें स्टेज में आने लगे थे। इन एडिशन ऑफ मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशनल सच एज लॉयर्स। तो जब ये मर्चेंट और ये जो मैन्युफैक्चरर थे, इनके पास वेल्थ हो गया, तो ये लोग आते तो थर्ड स्टेट में ही थे, थर्ड स्टेट में इंक्लूड थे ये लोग,
भी और प्रोफेशनल्स भी, जो लॉयर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स यानी कि जो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग थे, ये सब भी थर्ड स्टेट के अंदर आते थे. ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड और ये सब तो एजुकेटेड भी थे एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ. और ये लोग इस चीज में विश्वास करते थे कि किसी भी सोसाइटी को ऐसा प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए जो कि बाय बर्थ मिले. रेदर देन पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मैरिट, बल्कि लोगों की जो सोशल पोजिशन है ना, जो समाज में जो उनकी स्थिति है, वो किस पे डिपेंड होनी चाहिए, वो मैरिट बेस्ड होनी चाहिए, वो मैरिट पे डिपेंड होनी चाहिए. दीज आइडियाज एनवेसेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज. अब ये किसकी बात करते थे, ये जो इनके आइडियाज थे, ये किस चीज के बारे में बात करते थे? पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट बी इन मैरिट. दीज आइडियाज इन्वेसेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल. ये कहते थे कि सभी को पूरा फ्रीडम है. किस चीज़ का फ्रीडम है? फ्रीडम है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वल लॉ होना चाहिए, सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए, सभी के लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, अवसर होने चाहिए. वर्क पुट फॉरवर्ड बाय किस किन से आ रही थी ये सारी चीज़ें? जो फिलोसोफर्स थे, फिलोसोफर्स सच एज, जैसे कि कौन कौन से फिलोसोफर्स थे? जॉन लॉक एंड जीन जैक रूसो. जीन जैक रूसो इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जीन जैक सॉरी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो है ये बुक है किसकी? जॉन लॉक की. सो टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट. अब इनकी जो ये बुक है इसको लोगों ने पढ़ा. अब जैसे कि हमने बात की कि ये लोग पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने, ये लोग क्या करते थे, फिलोसोफर्स की इन्होंने बुक को लिखा ऑन द मोनार्क, जो कहती है कि राजा जो भी है इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बाय बर्थ सारी चीज़ें मिल गई, जो राजा होता है, ठीक है. अब ये नहीं कि राजा ने कोई चीज़ें बना दी और बाकी के लोगों को भी उनको फॉलो करना पड़ेगा, जबकि वो फॉलो करने लायक हैं भी नहीं. रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड. रूसो का जो आइडिया था, रूसो ने उसको, उसी आइडिया को आगे फॉरवर्ड किया. प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. अब इनके जो आइडियाज थे फिलोसोफर्स के, वो आगे बढ़ रहे थे. किस तरीके से वो लोगों में पहुंच रहे थे? इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज. स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज क्या है? ये बुक है किसकी? मोंटेस्क्यू की. Proposed a division of power within the government between the legislative, the executive, the judiciary. जिसमें उन्होंने, लोगों ने इस बुक को पढ़ के जाना कि जो जुडिशरी होती है, एग्जीक्यूटिव होता है, और जो लेजिस्लेटिव होती है. लेजिस्लेटिव क्या होता है? ये जो लेजिस्लेटिव होता है ना, इसमें क्या किया जाता है? पार्लियामेंट. लेजिस्लेटिव मतलब जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बनती है, जैसे कि यूएसए में बनी हुई थी. जब यूएसए फ्री हो गया ब्रिटेन से, यूएसए को इंडिपेंडेंस मिल गई, उसके बाद उसने डिक्लेयर कर दिया क्या था यूएसए में, वो हमारे इंडिया में भी अब उसी तरीके से है. जो कानून है उसी तरीके से बना हुआ है. लेजिस्लेटिव होती है यानी कि एक अपनी पार्लियामेंट होती है, उसके अपने कुछ वर्क होते हैं, अपने कुछ अधिकार होते हैं. उसमें एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी जो होती है वो उसमें इंटरप्ट नहीं कर सकती है. एग्जीक्यूटिव जो है वो उसके अपने काम है, एग्जीक्यूटिव के कानून लागू करना, उसमें लेजिस्लेटिव या जुडिशरी वहाँ पे इंटरप्शन नहीं दे सकती है अपना. और जो जुडिशरी है उसका अपना काम है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव जुडिशरी के मामले में दखलअंदाजी नहीं दे सकते. दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स इन द यूएसए. ये मॉडल कहाँ से आया? ये यूएसए, जो पढ़े लिखे लोग थे इधर उधर जा रहे थे, तो उनको नॉर्मली चीज़ों के बारे में पता था. तो जब यूएसए में ये सारी चीज़ें लागू हो गई, तो उन लोगों ने बताया कि यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे फ्रांस में भी लागू हो जानी चाहिए. ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए यहाँ पर भी, जैसे कि अमेरिका में है. द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. वहाँ पे इंडिविजुअल राइट हैं, लोगों के पास अपने अधिकार हैं. वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन प्लान. फ्रांस, जो फ्रांस में जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बन चुका था कि सभी के अपने इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए. ऐसा नहीं, कोई मोनार्की नहीं चलेगी कि राजा का ये मत है और राजा ने जो कह दिया वो गलत है तो भी हम उसको गलत ना कहें. अगर कुछ गलत हो रहा है, राजा कुछ गलत कर रहा है, तो उसे गलत बोला जाएगा.
इस तरीके के लोग अपने इंडिविजुअल राइट्स चाहते थे। द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसोफर्स, ये जो फिलोसोफर्स हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की, कौन कौन से, लॉक, लॉक जॉन और जीन जैक रूसो, ये जो फिलोसोफर्स हैं, इनके जो ये आइडियाज थे, क्योंकि ये अब द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसोफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली, इनके जो आइडियाज थे फिलोसोफर्स के, वो अब क्या हुआ, लोगों के द्वारा डिस्कस किए जाने लगे, कहाँ कहाँ पर, इन सलॉन्स एंड कॉफी हाउसेज एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। इनके जो आइडियाज थे ये लोग सलॉन्स में बैठ के भी डिस्कस करते थे आपस में, यानी कि जहाँ पर भी लोग एक दूसरे से मिलते थे वो फिलोसोफर्स के आइडियाज को डिस्कस करने लगे, कॉफी हाउसेज में डिस्कस करते थे, न्यूज़पेपर्स और बुक्स के थ्रू भी इनके आइडियाज जो थे वो स्प्रेड होने लगे, फैलने लगे। दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। इनको फ्रिक्वेंट तरीके से बोल बोल के भी ग्रुप्स बना के, लोगों के समूह बना के उनको भी समझाया गया, जो कि लिख और पढ़ नहीं सकते थे, उनके लिए इन्हें बोल बोल के उन्हें समझाया जाने लगा। द न्यूज दैट लुईस 16 प्लान्ड टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि लुई 16 जो प्लान कर रहा था लोगों के ऊपर, थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर अपना टैक्स इंक्रीज करके उसे इम्पोज करने का, उसे थोपना चाहता था उन लोगों के ऊपर, लोगों में उसके, लोगों के अंदर उस चीज के खिलाफ समझ समझ के गुस्सा भर गया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, जो प्रिविलेजेस का सिस्टम था, यानी कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग जो टैक्स पे नहीं करते थे, उस सिस्टम के खिलाफ उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर हम इसको भी पढ़ेंगे इसी पार्ट में, तो चैप्टर, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये कि फ्रांस जो रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, किस तरीके से शोषण होता था पीजेंट्स का, वो सारी चीज़ें आपकी समझ में बहुत अच्छे से आई होंगी, और ब्रीफ भी आपकी समझ में आ ही गया होगा। जैसे कि मैंने आपको समझाया, इट वॉज द ट्रेलर ऑफ अ मूवी, सो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दिस पेज इज द ट्रेलर ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप कि आप लोगों को इंटरेस्ट आया होगा इस चैप्टर को अभी तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया समझने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, रेस्ट ऑफ द चैप्टर की रीडिंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।